भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में चल रहे पहले वनडे में भारत को एक और बड़ा झटका लग गया है। जी हां, टीम को संभाल रहे महेंद्र सिंह धोनी 96 गेंदों का सामना कर 51 रन बनाकर आउट हो गए हैं। धोनी बेहेंड्रॉफ की बॉल पर LBW हुए। आपको बता दें कि धोनी ने 3 चौके और 1 छक्का भी लगाया था। धोनी के आउट होने के बाद दिनेश कार्तिक बल्लेबाजी के लिए मैदान में आए हैं और उनके साथ रोहित शर्मा शानदार 72 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। बड़ी बात यह है कि महेंद्र सिंह धोनी नॉट आउट थे, ऐसा हम नहीं बल्कि स्निकोमीटर और तमाम वो मशीनें कह रही हैं जो ऑस्ट्रेलिया के उस ग्राउंड में लगी हुई हैं। जी हां, चेक करने पर पता चला कि धोनी के लेग स्टंप से वो बॉल मिस हो रही थी। मैच से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर